नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे ये एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच एंड दोस्तों ये एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाली स्मार्ट वॉच है तो दोस्तों इस वॉच में आपको वन जी रैम मिल जाती है सिक्सटीन जी स्टोरेज मिल जाती है एंड दोस्तों इस वॉच में आपको फोर सिम स्लॉट भी मिलता है तो फोर सिम आप इस वॉच में चला सकते हो एंड इसमें दोस्तों आपको प्ले स्टोर मिल जाता है तो प्ले स्टोर से दोस्तों आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करके इस वॉच में चला सकते हो जैसे व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम फ्लिपकार्ट एमेज़ोन सब कुछ आपको दोस्तों इस वॉच में मिल जाता है एंड दोस्तों अगर ये वॉच आप परचेज करना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे दिया है वो लिंक चेकआउट करके आप इस वॉच को परचेज कर सकते हो तो चलिए दोस्तों जल्दी से बॉक्स ओपन कर लेते हैं तो देखिए ऐसा कुछ आपको बॉक्स मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे पास गोल्डन कलर है वन जी बी रैम सिक्सटीन जी बी स्टोरेज के साथ तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है ये इंग्लिश में है आप चाहो तो दोस्तों इसे पढ़ सकते हो ये देखिए काफ़ी बड़ी मैनुअल है एंड देखिए दोस्तों ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है इस वॉच की तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो स्ट्रैप मिलते हैं दोनों ही ओशन स्ट्रैप हैं एक आपको ऑरेंज स्ट्रैप मिल जाता है ये भी ओशन स्ट्रैप है एंड एक दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए ब्लैक स्ट्रैप मिल जाता है ये भी दोस्तों देखिए ओशन ही, ही स्ट्रैप है तो दोनों स्ट्रैप आपको ओशन स्ट्रैप मिलते हैं एंड दोस्तों ये है हमारी वॉच तो वॉच को रखते हैं थोड़ा साइड में एंड यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए एक चार्जिंग केबल भी मिल जाती है तो देखिए दोस्तों ऐसे कुछ आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है वॉच को चार्ज करने के लिए तो देखिए दोस्तों ऐसे कुछ वॉच आपको देखने को मिल जाती है एंड यहाँ बैक साइड देखिए इसका आई मी नंबर भी दे रखा है तो चलिए रैपर मैं उतार देता हूँ जल्दी से तो देखिए दोस्तों ऐसे कुछ ही वॉच आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले मिल जाता है एंड यहाँ पर देखिए आपको क्राउन बटन मिल जाता है एंड यहाँ पे देखिए माइक दे रखा है एंड यहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है एंड बैक साइड अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर आपको बैक साइड स्क्रूज़ मिल जाते हैं रियल स्क्रूज़ हैं एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है एंड यहाँ पर देखिए चार्जिंग पॉइंट्स भी दे रखे हैं एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों तो दोस्तो यहाँ पर आपको सिम स्लॉट मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप एक फोर जी नाइनो सिम लगा सकते हो इस वॉच में एंड यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ देखिए आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं तो सामने की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाते हैं इस वॉच में एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको स्ट्रैप लगाने के लिए स्ट्रैप यहाँ पे स्लॉट्स मिल जाते हैं एंड दोस्तों इस वॉच में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है दोस्तों ये जो फ्रेम है ये प्लास्टिक फ्रेम है मेटालिक फ्रेम आपको इस वॉच में देखने को नहीं मिलता है तो चलिए दोस्तों इस वॉच में अभी स्ट्रैप लगा लेते हैं देखिए दोस्तों वॉच में मैंने अभी स्ट्रैप इंस्टॉल कर दिए हैं एंड देखिए दोस्तों ऐसा कुछ आपको लुक मिल जाता है तो चलिए वॉच को अभी हम ऑन कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों वॉच अभी ये पावर ऑन हो चुकी है एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फोर जी लिखा हुआ है यहाँ पर तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारी देखिए यहां पर स्टार्ट हो चुकी है तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है यहाँ पे सिम कार्ड इंसर्ट करने का तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए सिम कार्ड इंसर्ट करना है पर दोस्तों अभी हम सिम कार्ड इसमें नहीं डालेंगे एंड दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रॉपर आपको देखिए एक स्मार्टफोन जैसा ही मेन्यू देखने को मिलता है तो चलिए ब्राइटनेस अभी कम कर देते हैं थोड़ी तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ आपको इस वॉच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो भी आपको वॉच में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है बट दोस्तों well इस वॉच में आपको नॉर्मल आई डिस्प्ले देखने को मिलती है इस वॉच में दोस्तों आपको एमोलेट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो दोस्तों आपको ठीक ठाक से मिल जाती है बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी यहाँ पर आपको डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलती है एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिए क्राउन बटन को अगर आप यूज़ करोगे तो देखिए आप यहाँ पे देखिए क्राउन बटन से देखिए वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो तो यहाँ पे आपको वर्किंग क्राउन मिल जाता है एंड दोस्तों अगर आप ये नीचे वाला बटन प्रेस करते हो तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन को देखिए लॉक या अनलॉक कर सकते हो ये देखिए एंड दोस्तों अगर आप इस साइड स्लाइड करते हो तो देखिए आपको कोई भी फीचर नहीं मिलता है देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है एंड दोस्तों अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ भी स्लाइड करोगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो इस साइड दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलता है एंड दोस्तों अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो देखिए दोस्तों ये आपको बिल्कुल यहाँ पर स्मार्टफोन जैसे ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको वाईफाई का फीचर मिल जाता है ब्लूटूथ आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है डो नॉट डिस्टर्ब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ऑन ऑफ कर सकते हो एंड यहाँ पे देखिए आप डाटा भी ऑन ऑफ कर सकते हो जैसे स्मार्टफोन में आप इंटरनेट ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे आपको बैटरी का पावर सेविंग मोड मिल जाता है एंड यहाँ पे देखिए आपको एयरप्लेन मोड मिल जाता है एंड अगर हम स्लाइड करें तो देखिए आप यहाँ पर लोकेशन भी आप ऑन ऑफ़ कर सकते हो ऊपर दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आप बैटरी देख सकते हो वॉच हमारी कितनी चार्ज है तो देखिए नाइन्टी हमारी वॉच चार्ज है एंड यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जैसे स्मार्टफोन में मिलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में बिल्कुल स्मार्टफोन जैसा ही यूआई देखने को मिलता है एंड दोस्तों अगर आप इस साइड स्लाइड करते हो तो देखिए दोस्तों इस वॉच के जो सारे फीचर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं एंड दोस्तों देखिए आप इसे नीचे की तरफ अगर स्लाइड करोगे तो देखिए इस वॉच में वो काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलते हैं एंड दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए इस वॉच में देखिए प्ले स्टोर भी मिल जाता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिल जाता है तो दोस्तों प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से एंड दोस्तों इस वॉच में आप ऐप इंस्टॉल करके ऐप को यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारे ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगी एंड दोस्तों इस वॉच में आपको जो मेन्यू स्टाइल है वो भी आपको दो टाइप के मिल जाते हैं एक तो ये वाला मेनू स्टाइल है एंड दोस्तों अगर आप चेंज करना चाहो तो अगर आप इसे डबल प्रेस करोगे क्राउन बटन को तो दोस्तों आप मेन्यू स्टाइल को चेंज भी कर सकते हो तो देखिए ऐसा कुछ आपको सेकेंड मेनू स्टाइल मिल जाता है एंड देखिए इसे भी आप देखिए क्राउन बटन से यूज़ कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो तो दोस्तों आपको दो टाइप के स्टाइल मिल जाते हैं इस वॉच में देखिए ये फर्स्ट वाला फिर से आ गया एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे आपको देखिए फ़ोन वाला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से आप कॉल डायल कर सकते हो एंड इसके बाद देखें एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको चैट वाला ऑप्शन मिल तो जाता है ये देखिए एंड इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए आप कॉन्टैक्ट भी सेव कर सकते हो बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्यू कोड मिल जाता है ये देखिए ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको, तो आपको मैसेज मिल जाते हैं तो दोस्तों यहाँ से देखिए जो भी आपको मैसेज आएंगे वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो बिल्कुल स्मार्टफोन जैसे यू दे रखा है एंड इसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपको गैलरी मिल जाती है तो दोस्तों बिल्कुल जैसे स्मार्टफोन में गैलरी होती है बिल्कुल वैसे ही स्मार्टफोन जैसी ही गैलरी आपको इस वॉच में देखने को मिल जाती है तो दोस्तों जो भी जो फोटोग्राफ्स आपने डाली होंगी वो आप इस वॉच में सेव कर सकते हो देख भी सकते हो एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एल्बम वीडियोज़ वगैरह सब आप इसमें प्ले भी कर सकते हो वो वीडियो वगैरह मैं आपको आगे प्ले करके दिखाऊंगा एंड यहाँ पर देखिए आपको ब्राउज़र मिल जाता है तो दोस्तों क्रोम जैसे आप बिल्कुल इसमें चला सकते हो जैसे क्रोम चलाते हैं गूगल वगैरह आप इसमें सर्च कर सकते हो एंड दोस्तों देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको क्लॉक वाला ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्लॉक मिल जाती है यहाँ पे देखिए आप, आप अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो एंड देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं इस वॉच में एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिल जाता है तो स्टॉप वॉच आप यूज़ कर सकते हो एंड इसके बाद दोस्तों देखिए आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है तो दोस्तों इस वॉच में आप म्यूजिक सेव कर सकते हो सिक्सटीन जी बी इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आप गाने जो हैं वो इसमें इंस्टॉल करके एम पी सी म्यूजिक वगैरह डालकर प्ले कर सकते हो इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको साउंड रिकॉर्डर मिल जाता है तो दोस्तों वॉइस भी यहाँ पे देखिए आप रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस रिकॉर्डर आपको इस वॉच में मिल जाता है एंड यहाँ पे देखिए आपको फाइल मैनेजर मिल जाता है तो दोस्तों जो भी एप्स इसमें आपने डाली हुई है ऑडियो फाइल इमेज़ एप वीडियोज़ डॉक्यूमेंट तो दोस्तों वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल मैनेजर जैसे स्मार्टफोन में फाइल मैनेजर होता है एंड यहाँ पर देखिए लोकल स्टोरेज भी दे रखी है तो स्टोरेज अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिक्सटीन जी आपको स्टोरेज मिल जाती है जिसमें देखिए थ्री पॉइंट सिक्स एट जो है वो सिस्टम स्टोरेज में यूज़ हो रखा है एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ से देखिए आप हार्ट रेट को चेक कर सकते हो ये यह देखिए यहाँ पे आप ऐसा कुछ आपको हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाता है बैक साइड एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको एस का भी ऑप्शन मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ से देखिए आप एस भी चेक कर सकते हो एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको फिटनेस वाला ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो फिटनेस की जो इन्फॉर्मेशन है स्टेप्स वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एंड यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेटिंग में आपको सारे ही ऑप्शन एक स्मार्टफोन जैसे ही मिल जाते हैं तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे आपको नेटवर्क की सेटिंग मिल जाती है यहाँ पर वाईफाई वगैरह की आपको ऑप्शन मिल जाता है ये देखिए वाईफाई हॉट स्पॉट एयरटेल मोड बिल्कुल स्मार्टफोन जैसा ही दे रखा है सब कुछ एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कनेक्टेड डिवाइस जो है ब्लूटूथ वाला ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों देखा आपको ब्लूटूथ वाले ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हो एंड इसके बाद यहाँ पे बैक साइड देखें तो यहाँ पे देखिए आप ऐप एंड नोटिफिकेशन दे रखे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ऐप इंस्टॉल करने के लिए जो भी ऐप्स हैं वो यहाँ से देखिए आप मैनेज कर सकते हो इसके बाद बैटरी का ऑप्शन दे रखा है ये देखिए बिल्कुल स्मार्टफोन जैसे ही फीचर आपको इस वॉच में सारे देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर डिस्प्ले की आप सेटिंग कर सकते हो ब्राइटनेस स्लीप कितनी देर में अपने डिस्प्ले ऑफ रखनी है फॉन्ट वगैरह का साइज़ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए पावर पावर ऑन ऑफ को देखिए आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑडियो प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जरनल साइलेंट वाइब्रेशन आउटडोर कोई भी प्रोफाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे स्टोरेज का भी ऑप्शन दे रखा है ये देखिए तो देखिए ट्वेल्व पॉइंट थ्री टू जी बी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलता है इस वॉच में एंड यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी एंड लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है गूगल सेटिंग सिस्टम ये देखिए यहाँ पर आपको टाइम सेटिंग वगैरह तो दोस्तों इस वॉच में देखिए आपको एंड्रॉड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है एट पॉइंट वन पॉइंट जीरो तो यहाँ पे देखिए आपको एंड्रॉड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है ओरियो तो देखिए इस वॉच में आपको ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आप रैम देख सकते हो तो इस वॉच में देखिए आपको वन जी रैम मिल जाती है तो नेक्स्ट दोस्तों देखें तो यहाँ पर देखिए आपको थीम का ऑप्शन मिल जाता है तो देखिए यहाँ पर आप थीम चेंज कर सकते हो यहाँ से देखिए आप वॉच फेसिस को चेंज कर सकते हो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉच फेसिज आप चेंज कर सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए आपको वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों यहाँ से देखिए आप वाल चेंज कर सकते हो ठीक है एंड यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप स्टाइल का ऑप्शन दे रखा है तो इस वॉच में दोस्तों आपको दो टाइप के मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं तो दोस्तों वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको प्ले स्टोर वाला ऑप्शन मिल जाता है तो दोस्तों प्ले स्टोर अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर गूगल अकाउंट लॉग नहीं किया वो आगे मैं आपको दिखाऊँगा